किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में। नमस्कार, मैं सौरभ मौर्य और आप देख रहे हैं फार्मिंग विद मौर्य यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। किसान भाइयों, यह जो सामने आप देख रहे हैं यह धनिया की खेती है और यहाँ पर धनिया की हमारी खुदाई चल रही है और यहाँ पर जो हमारे धनिया की खुदाई है यह दूसरी बार इसकी खुदाई हो रही है। पहले यहाँ पर हमने हंसुआ की मदद से इसकी कटाई करके दिया था और यहाँ पर जो है कि हमारा दोबारा से खुदाई चल रही है। इसमें हमें यह फ़ायदा होता है कि हम जब इसे एक समय में अगर इसका बीज छिड़काव कर दें और इसका उत्पादन लेते हैं तो हमें कम से कम 45 से 50 दिन इसका उत्पादन लेने में लगता है और यहीं दोबारा हम इसे फिर तुरंत एक ही बार इसका उत्पादन लें और दोबारा फिर करें तो हमें इससे 45 से 50 दिन फिर दोबारा समय देना पड़ता है। और यहाँ पर एक ही बीज बोकर और उसका दो बार से यहाँ पर पहली बार कटाई करके और दूसरी बार इसकी जड़ से खुदाई करने में हमें मात्र 25 दिन से के बाद दोबारा ही इसका उत्पादन मिल जाता है। इससे हमारा समय भी बचत होता है और हमें फ़ायदे भी मिलते हैं क्योंकि जब हम पहली बार कटाई इसकी करते हैं तो 45 से 50 दिन में कटाई हो जाती है और दोबारा जब हम इसका उत्पादन लेते हैं तो इसका उत्पादन 25 से 30 दिन में, मैक्सिमम 30 दिन में इसका उत्पादन हमें मिल जाता है और वो भी जड़ से मिलता है। और जब हम जड़ से खुदाई करते हैं तो यहाँ पर हमें जड़ से खुदाई करने की वजह से जड़ में काफ़ी वज़न होता है और यहाँ पर जो है कि हमारा दोबारा वज़न भी धनिए में ज़्यादा पकड़ता है और समय भी कम लगता है और दोबारा हमें उत्पादन भी जल्द मिल जाता है। इसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ पर बस केवल इसकी थोड़ी क्वालिटी में कमी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो होता है कि वो भी यहाँ पर जो होता है ये वहाँ पर जो कि आपको पाले की वजह से ठंड में आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। वो भी अगर आप पहली बार में ले रहे हैं तो वहाँ पर कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर दूसरी बार जब हम इसका उत्पादन लेते हैं तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी जो है कि डाउन हो जाती है और इस पर ठंड का भी थोड़ा असर ज़्यादा पहली वाले के हिसाब से पड़ता है। अगर आप इसे नॉर्मल आप करना चाहते हैं, अगर आप इसे यहाँ पर जो कि ठंड से लाल पत्तियों से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ आपको कार्बेंडाजियम प्लस मैनकोजेब 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका सॉल्यूशन बनाकर आप इसका स्प्रे कर देंगे तो यहाँ पर आपकी नॉर्मल रहेगा और आराम से आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी ताकि आपको मार्केट में ले जाने से दिक्कत नहीं होगी। एक एकड़ में बीज की बात करें तो 12 से 15 kg पर एकड़ इसमें बीज लगता है और बिस्सा में बात करें तो 400 से 500 ग्राम पर बिस्सा। यह जर्मिनेशन के ऊपर निर्भर होता है कि आप कौन से समय में क्या चुनाव करते हैं। धनिया मसाला वर्गी की फसल होने के साथ साथ पत्ती वर्गी में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है क्योंकि यह सलाद और हर एक भोजन में इसका पत्तियों का उपयोग होता है जिससे कि हमारे भोजन का स्वाद काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और धनिया से संबंधित जो भी आपके प्रश्न अथवा सुझाव हों अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।